क्वेश्चन नंबर एट. ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड फील्ड ग्रास ऑफ साइड 15 मीटर. स्क्वेयर शेप फील्ड है, इसकी जो साइड है वो 15 है. यहाँ पे हॉर्स को टाई किया हुआ है, जो उसकी रोप है उसका रेडियस 5 मीटर है. ठीक है, पूरी साइड 15 है लेकिन ये जो रोप का लेंथ है दिस इज 5 मीटर. ठीक है, अब अगर हॉर्स को यहां टाई किया हुआ है तो हॉर्स ऐसे मूव करेगा, ये क्या फॉर्म होगा? सेक्टर. ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. जिस पार्ट में 90 फॉर्म होता है दैट इज अ क्वाड्रेंट. और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल 1/4 πr². सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेंट एज वेल एज यू कैन यूज दैट सेम फॉर्मूला थीटा बाय 360 πr² That will give you same answer. So you can find the area of this quadrant by using 1/4 πr². Radius is 5, so you can get the answer of this. So in the first part, radius is 5 meter. Anji, diya hua hai, given hai. Area of quadrant is equal to 1/4 πr². 1/4 π गिवन है 3.14. रेडियस इज 5, दैट इज 25 आई हैव रिटन. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, एंड डिवाइड इट बाय 4. Divided. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी बोलो मैम. मैंने पूछा था कि मैम जो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड का था मैम, वो अभी चलेगा या फिर सिलेबस के कारण चेंज हो चुका है? अभी कुछ नहीं आया, अभी उसके रिगार्डिंग कुछ आएगा तो आपको अपडेट करेंगे, अभी नहीं पता कि कैसा होगा आगे. मैम और ऑप्शनल एक्सरसाइजेज वो आएंगी? जिसकी करवानी है उसकी करवाएंगे बस, बाकी सब. हाँ वैसे टेंथ में करते हैं, सब की नहीं आएंगी. करवाएंगे वैसे मैक्सिमम टेंथ में सारी ही करवाएंगे, नाइन्थ में नहीं करवाते. ओके थैंक यू मैम. 19 meters square. Next, second part. In the second part, the question is, if the length of the rope is increased from 5 meter to 10 meter like this, what will be the increase in the grazing area? You have to find this. If instead of length of 5 meter rope, the rope has been replaced with the length of 10 meter, then there will be increase in the area. ये तो ऑलरेडी वो ग्रेज कर रहे थे, ये जो इंक्रीज हुआ है दिस यू हैव टू फाइंड. द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, देन व्हाट यू विल डू? वी विल फाइंड द सेक्टर, दिस कंप्लीट सेक्टर विद रेडियस 10 मीटर, देन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस क्वाड्रेंट, सो यू विल गेट दिस पोर्शन. ठीक है, नाउ अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर बाय टेकिंग रेडियस एज 10 मीटर, देन दैट एरिया will be used and this part, first part will be subtracted to get the increase in area. Second part is area of sector. Again, we are finding area of sector, but this time radius is capital R, that is 10 meter. Area of sector, again, you will use the same formula for the area of quadrant 1/4. 3.14 into 10 square will be 100. 100. So this is 314 upon 4. That is 78.5. ये decimal remove करके 100 cancel out, divide करते हैं. ठीक है. Now you will find increase in area. Increase in area
दैट इज 78.5 माइनस 19.625 सब्ट्रैक्टेड. अश्विन अटेंडेंस लिखो, रोल नंबर 2, 21, 20, एक मिनट, 32, 33, 34, 43, 6 है बस, 2, 21, 32, 33, 34, 43, क्लियर है ये? आज कितनी स्ट्रेंथ है? 30. Read out the next question. Question number 9. All these questions are important. आप previous papers देखोगे आपको इसी type के question मिलेंगे, ठीक है? तो अब इसमें से जैसे एक कोई part आ जाएगा MCQ में आपको. Next question काफी important है. देखो इधर question number 9 में आपको कहता है एक brooch है that is made up of silver wire. The brooch is made in the circular shape. With the silver wire. पहले ये जो ब्रॉच है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है, that is made up of the silver. तो यहाँ पर सिल्वर यूज हुआ है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर, ठीक है? डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज गिवन एज 35 मिलीमीटर. डायमीटर गिवन है आपको. यू कैन फाइंड आउट द रेडियस और यू कैन डायरेक्टली फाइंड सर्कमफ्रेंस एज पाई डी, बिकॉज डायमीटर इज गिवन. So you can get the length of this circumference as pi d also because direct diameter is given. And one more thing, this circle, this broad has been divided into 10 parts by 5 diameters. 5 diameters have been drawn. इस तरह से ये diameter draw किए हुए हैं. Sir, equal parts में divide कर लेंगे. ठीक है, ऐसे 5 draw किए lines. ये जो 5 wires है ना, silver wire. इसकी भी लेंथ फाइंड करनी है. टोटल सिल्वर वायर जितना भी यूज हुआ है इन द आउटर बाउंड्री एज वेल एज इन द डायमीटर, द लेंथ यू हैव टू फाइंड. एक तो आ जाएगा पाई डी प्लस डायमीटर. डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35. एंड वी हैव 5 लाइंस ऑफ डायमीटर, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 5. सो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज 5 times 35 plus pi d. ठीक है, मल्टीप्लाई दिस, व्हाट यू विल बी गेटिंग? 175. पाई इज गिवन 22 by 7, diameter is 35, 110, 175 plus 110, 285 millimeter. So the length of the silver wire that has been used to make the this broach is 285 millimeter. Wire has been used. Got it? One more part is there, and in that you have to find the area of each sector. So how you will do this? You can use area of the sector formula. For area of the sector, we need theta. How you will get the value of theta? Number of sectors. How many sectors are there? 10 sectors. 5 diameters draw kiye na? But the circle is dividing into 10 parts. So you can get the value of theta as 360 by 10, that is 36. And one more way is there. Can you tell me the another way? By using this area of sector formula, one more way is there to find the direct area of one sector. Chalo, isse karo aap. पहले थीटा फाइंड करो. थीटा क्लियर है आपको? एक्चुअली द सर्कुलर एंगल इज 360 एंड देयर आर 10 इक्वल पार्ट. सो 360 विल बी डिवाइडेड बाय 10. 5 डायमीटर है ना, डायमीटर देख रहे हो आप,
अगर आप इसको एक एक पोर्शन को देखते हो तो यहाँ पे जब 5 लाइंस ड्रॉ की हैं तो ये टोटल 10 पार्ट बन रहे हैं, 5 ऑन द अपर साइड, 5 ऑन द बॉटम साइड. सो यू विल डिवाइड दिस कंप्लीट एंगल विद 10, दैट विल गिव यू ईच वैल्यू ऑफ थीटा, ईच एंगल विल बी 36. नाउ एरिया ऑफ वन सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा इज 36 अपॉन 360, पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज, डोंट टेक इन डेसिमल्स, यू विल राइट 35/2, 35/2, अवॉइड इन डेसिमल फॉर्म बेटा. नाउ सॉल्व दिस, दिस विल गिव यू 10, 7 5s आर 55 into 35 upon 10 into 2, 385 by 96.25 millimeter square. Check the answer. Is it correct? Okay. अगर आप कह रहे हो ना सेगमेंट डिलीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो डिलीट हो जाएगा. अदरवाइज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैक्सिमम टाइम इट कम्स इन द एग्जाम. ठीक है, अगर वो नहीं है टॉपिक तो फिर ये नहीं करेंगे क्वेश्चन. लेकिन इसमें एक चीज बतानी है वो आपको बता देंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ऐसा. क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो. क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का है जैसे ये किया आपने. यू डोंट हैव बुक खुशी? अच्छा वैसे है, चलो मैं एक बार आज चेक कर लूंगी. ठीक है, अभी तो मुझे मेरे पास है नहीं सिलेबस, मैं देखती हूँ आता. क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड. देखो इधर अम्ब्रेला आपके सामने ये बना हुआ है, यहाँ पे रिब्स भी बना के उन्होंने दिखाए हुए हैं. 8 रिब्स हैं एंड अम्ब्रेला, अज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजेक्टिव रिब्स. जो रिब्स हैं जो ऐसे वायरिंग होती है, वायर दो रिब्स के बीच का कंजेक्ट, जो दो कंजेक्टिव रिब्स हैं उनके बीच का एरिया फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, जो आपके सामने इस तरह से वायर होती है ना, ये वैसे होती तो ऐसे राउंड है लेकिन वो कहता है इसे फ्लैट अज्यूम करना है, मीन सर्कल लेना है. तो उस केस में ये स्ट्रेट बन जाएंगी. तो ये आपने ये वाला पोर्शन फाइंड करना, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, रेडियस गिवन, राइट डाउन. रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस 45 सेंटीमीटर, थीटा. हाउ यू विल फाइंड थीटा? 360 इज द कंप्लीट एंगल एंड द सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. यू विल डिवाइड इट बाय 8. उसमें 10 इक्वल पार्ट्स थे तो 10 से डिवाइड किया था, यहाँ 8 पार्ट्स हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, एंगल विल बी 45. खुशी आपके नेम से कोई है क्लास में, वेटिंग रूम में? एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा इज 45 अपॉन 360, पाई इज इट गिवन? नो, 22/7 इंटू 45 इंटू 45. सॉल्व दिस.
बोलो क्या आ रहा है। ट्रिपल टू बाय 20। क्या बोला? 6-8। क्या हुआ? देयर इज कंफ्यूजन इन द डिनोमिनेटर। ओके, ट्रिपल टू 7। एग्जाम में करना होता है। ऑप्शंस आर इन फ्रैक्शन, देन लीव इट देयर, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस। जितनी वाइपर की लेंथ है उतना ही एरिया स्वाइप करेगा वो। So that portion will be the sector. The portion covered by the wiper is your area of sector, and radius will be 25 centimeter. Write down. Radius is equal to 25 centimeter. Theta is equal to 115. अब ये angle sector तो है ना हमारे में, तो ये वाला करेंगे फिर, ठीक है? Write down. Theta is 115. Find the total area cleaned by Each swipe of the blade. क्या करेंगे? क्या फाइन करना है इसमें? एक का फाइन करना है कि दो का? ये वाइपर तो इकट्ठे चलते हैं। ईच स्वाइप मीन्स जब आप वाइपर ऑन करते हो दोनों इकट्ठे स्वाइप करते हैं, तो एक स्वाइप में कितना एरिया क्लीन करेंगे? एरिया कवर्ड डबल हो जाएगा। एक वाइपर का फाइन करोगे, इसका डबल कर लोगे आप, ठीक है ना? क्योंकि वाइपर का सिंगल थोड़ी होता है, डबल इकट्ठे ही चलते हैं दोनों ही। और जब सिंगल स्वाइप कह रहा है मतलब एक बार जब वो मूव करता है उसका एरिया निकाल, ठीक है? राइट डाउन। थीटा यू हैव रिटन एज 115 एंड रेडियस इज 25। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, देन वी विल राइट एरिया ऑफ टोटल स्वाइप या एरिया कवर्ड इन ईच स्वाइप, वो बाद में देखते हैं। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 115, दिस इज 22/7 एंड रेडियस इज 25 × 25। नाउ गेट द आंसर।
This you are saying. That is the area of each sector, and we want total area clean, so we'll make the double of that. So you will get this. This will cancel out. They will give you 126 in the denominator. Next question. Next question, बिल्कुल simple है, start करो. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. जो light है उसको underwater move करने के लिए red color की light जो है इसके आगे है, और वो किस area तक जाती है? To a distance of 16.5 किलोमीटर. इसी उसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा. ठीक है, राइट डाउन. रेडियस इज 16.5 किलोमीटर, थीटा 80 डिग्री, थीटा 80 डिग्री, रेडियस 16.5 किलोमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर बॉर्न. राइट डाउन एरिया ऑफ सेक्टर, area of sector is theta by 360 pi r square. Eighty upon 360 pi, given a pi, radius is 16.5 into 16.5. solve this. ये अवॉइड किया करो, इतनी ज्यादा कटिंग करनी. इससे बेटर तो ये है, ये देखो सीधा सबको मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 9. अब तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो. हमेशा नहीं कटिंग करनी होती. देख, ये देखना होता है कि जिससे रिड्यूस होता है वो करनी है, जिससे एक्स्ट्रा हो रहा है वो क्या करनी है. वो तो टाइम वेस्ट है. 1 8 ठीक है. न्यूमिनेटर को आपने इस वे में किया कि कटिंग किया? और नहीं करनी चाहिए इतनी ज्यादा कटिंग, अवॉइड करना चाहिए. डायरेक्ट तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपॉन 9 करना है. 9 से तो आप इजीली वर्बली डिवाइड कर लोगे.
चेक करना आंसर 6 आ रहा है कि 7 आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग 7। आपने भी सारी कटिंग कर दी, अवॉइड किया करो बच्चे। यहाँ पे ऑलरेडी 1 नंबर शो हो रहा है ना, तो आप डिनोमिनेटर में लाके तो और ज्यादा खुद लेके आ रहे हो नंबर। किलोमीटर, किलोमीटर है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में ना एरिया ऑफ सेगमेंट का ही है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि तो इसमें एक दो चीजें बतानी है आपको। देखो इधर, आपके पास एक राउंड टेबल कवर है, इसके अंदर ना हेक्सागन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है सर्कल के अंदर। अब ये रेगुलर अगर हेक्सागन है तो जितने भी पोर्शंस यहाँ लेफ्ट आउट होंगे, 6 सेगमेंट्स बनेंगी, वो भी सारे रेगुलर होंगे, सारे इक्वल होंगे। क्योंकि तो अगर सर्कल को हेक्सागन अंदर कवर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है लेफ्ट आउट, वो भी सेम होगा। यहाँ पे डिजाइन है, ये जो डिजाइन है ना, ये फाइंड करने हैं इनका एरिया। ये क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये जो सर्कल है इसका आपको रेडियस गिवन है। ठीक है, इसका रेडियस गिवन है 28। देखो इधर, ये एंगल जो है ये 60 है। क्यों? हाँ जी, अंदर रेगुलर हेक्सागन बन रहा है ना, हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। टोटल एंगल, सर्कुलर एंगल जो अंदर है, सेंट्रल एंगल जो बन रहा है, वो 360 है। 360 को 6 से डिवाइड किया, 60 डिग्री आ गया। ईच एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री, ये 60 आ गया। ये रेडियस है इक्वल, तो ये एंगल भी क्या होंगे? 60 होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो बेस एंगल इक्वल होंगे। ये 60 है तो इनका सम क्या आ जाएगा? 120। तो मतलब ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, ये √3/4 साइड स्क्वायर। एंड वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर एरिया, दैट इज दैट वी हैव लर्न्ड यस्टरडे, 1/2 r² sin θ। वो भी कर सकते हैं, वो सब में यूज होता है, चाहे आप कोई भी टाइप ऑफ ट्राइंगल आ जाए, आपको देखने की जरूरत ही नहीं। तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये अब आप यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लगा सकते हो और √2 r² sin θ भी लगा सकते हो। ठीक है, पहले थीटा फाइंड करो, राइट डाउन। थीटा इज 360/6, दैट इज 60 डिग्री। थीटा आ गया। ठीक है, अगर तो आप √2 r² sin θ लगा रहे हो तो इसको इक्विलेटरल वगैरह कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सीधा ही कर लो। और अगर आप इक्विलेटरल का लगाते हो तो पहले ही एंगल निकाल के शो करने पड़ेंगे या लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, जैसे भी करना है आपको। तो डायरेक्टली कर लेते हैं, एरिया ऑफ, आपने ये 6 पोर्शंस का डिजाइन का एरिया निकालना है। आप एक का निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, या ईच फाइंड करना है तो वो देख लो। नहीं, आपने सबका फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइन, पूरे डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है। पहले सारे डिजाइन का एरिया निकालेंगे, फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे। पहले एक डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर −1/2 r² sin θ। थीटा इज 60/360, पाई इज इट गिवन? नो, 22/7, रेडियस इज 28, 1/2, 28² sin 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व थोड़ा ध्यान से करना।
अलग अलग फाइंड करना है तो आपकी मर्जी है, इकट्ठे भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी कटिंग करके 6 आ जाएगा, 1/6, 22/7, कि जिसकी भी आवाज आ रही है ना मुंह बंद करो अपना। ठीक है, 28 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाँ जी 1.7। अब 1.7 दिया तो 1.7 लेना है, 1.73 नहीं ले सकते, जो गिवन है वही लेना है। ठीक है, डबल डिजिट गिवन है, ट्रिपल है या सिंगल डिजिट है वो आपने देखना है। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर तो कॉमन लेके छोड़ देना, बस सीधा बाहर 6 से cos से मल्टीप्लाई कर देना, बस बाहर वाले नंबर को, अंदर वाला नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, ट्वेंटी एट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 11/21 ये कॉमन, 1.7 अपॉन, ठीक है ये ठीक है कॉमन, देख लो इधर एलसीएम ले लो, अंदर एलसीएम लो, सॉल्व करो इसे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू गिवन है ना, ऐसे नहीं छोड़ सकते, रूट में होती तो शायद छोड़ देते, अभी नहीं छोड़ सकते, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लो इन दोनों का, क्या आएगा 84, 4 से मल्टीप्लाई करो 44, 21 से मल्टीप्लाई करो 17, करो मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, ठीक है 357 ना ये आ गया, माइनस करो इसको, 28 स्क्वेयर एज इट इज लिख दो, या 28 का स्क्वेयर कर भी सकते हो, सॉल्व करके बोलो क्या आएगा, माइनस करो 44 में से 35.7 को अपॉन 84 इंटू 28 स्क्वायर, 28 का स्क्वायर करो क्या आएगा, क्या आएगा, कॉमन लिया करो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। टाइम हो गया, आप इसका एरिया फाइंड कर लेना, फिर एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन, फिर कॉस्ट 784 इंटू 8.3 अपॉन 84, मल्टीप्लाई करो इन्हें भी, इन्हें भी मल्टीप्लाई करो, 84 को ऐसे ही रहने देना क्योंकि जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 डिजाइन का निकालने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। एक मिनट सुनो, इधर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कॉस्ट का, इसको यही छोड़ दो, बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखो एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 के साथ डिनोमिनेटर की कटिंग कर दो, फिर कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट कितनी दे रखी है 0.35, इसको मल्टीप्लाई बाय 0.35 भी कर देना, फिर एक ही बार सॉल्व कर लेना, इतना लिख लो आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे।